बॉलीवुड ने आशा भोसले के साथ किया कितना भेदभाव, अमित शाह से मुलाकात के बाद सामने आया किस्सा। 90 की उम्र में आज भी सुबह उठकर करती हैं रियाज, नए सिंगर को सीखनी चाहिए आशा ताई से, ये तीन बड़ी बातें। करोड़ों मिलते ही दौड़ जाती है विदेशी स्टार, पर इन्होंने खाई थी कसम, देश के लिए तैयार, शादी में नहीं जाऊंगी। कहते कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि कमाया जाता है, और यही सम्मान अपनी दीदी लता मंगेशकर की तरह आशा भोसले ने अपने जीवन में कमाया। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह जब उनसे मिलने पहुंचे तो नेताओं की तरह सिर्फ हाथ नहीं जोड़ा बल्कि आशा ताई का आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद कई लोग ये कहने लगे कि क्या 90 की उम्र में आशा भोसले सियासत में आना चाहती हैं, या फिर अपनी जिंदगी के उन दिनों का दर्द बता रही थी जब बॉलीवुड में भेदभाव झेला। तो ये बताएं, उससे पहले उनकी जादुई आवाज में ये गाना सुन लीजिए। इस सुरीली आवाज के पीछे कितने दर्द छिपे हैं ये बात बहुत कम लोगों को पता है। शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएं कि आशा भोसले की वजह से लता मंगेशकर को भी टीचर ने स्कूल से निकाल दिया था। दोनों बहनों में इतना प्यार था कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से एक ही फीस पर लता दीदी अपनी बहन को भी ले जाना चाहती थी, पर एक दिन टीचर ने देख लिया और स्कूल से निकाल दिया। फिर इन्होंने स्कूल की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन गाने की दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि हर सितारे सलाम करते हैं। और कहा जाता है कि आशा भोसले पर लता मंगेशकर की बहन होने का ऐसा दबाव था कि लोग चाहते थे ये उन्हीं की तरह गाएं, पर इन्होंने अलग स्टाइल अपनाकर पहचान बनाई। नतीजा ये हुआ कि कई बार इन्हें बड़े बड़े स्टार्स की डांट भी खानी पड़ी, एक दो बार तो फीस भी नहीं मिली। खान तिकली और कपूर परिवार के अलावा बॉलीवुड में जो जाता है वो कैसा संघर्ष करता है ये तो आप जानते ही होंगे। लता दीदी चूंकि पहले से ही अपनी पहचान बना चुकी थी इसीलिए इन्हें कम दिक्कतें हुई, पर आज भी उन बातों को याद करके कहती हैं, मैं फिल्मी लाइन की आखिरी मुगल हूँ, हर किसी के बारे में जानती हूँ कि किसकी लाइफ कैसी रही है, इनके बारे में बोलने बैठूंगी तो 3 से 4 दिन निकल जाएंगे। ये बात उनके दिल में ऐसी बैठी हुई है कि जिससे भी मिलती हैं अपने उन दिनों का जिक्र जरूर करती हैं। अमित शाह से मुलाकात में भी इन्होंने बॉलीवुड में हुए भेदभाव की बात जरूर बताई होगी। इनकी निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही, पहले परिवार के खिलाफ जाकर 16 साल की उम्र में अपने सिक्योरिटी गणपत राव भोसले से शादी कर ली, पर ये रिश्ता 11 साल बाद टूट गया। 20 साल अकेले रहने के बाद साल 1980 में इन्होंने अपने से 6 साल छोटे सिंगर आरडी बर्मन से शादी कर ली। शादी के 14 साल बाद आरडी बर्मन यानी कि पंचम दा का निधन हो गया और आशा ताई अकेली हो गई। अब उनका ज्यादातर समय गाने का रियाज और खाने की नई नई रेसिपी बनाने में गुजरता है। उनके नाम पर कई शहरों में रेस्टोरेंट चलती हैं। आज चाहे तो वो शादियों में गाना गाकर दूसरे स्टार्स की तरह करोड़ों की फीस चार्ज कर सकती हैं, पर इन्होंने भी लता दीदी की तरह पूरे जीवन में इस बात का संकल्प निभाया कि भूखे रह जाऊंगी पर शादियों में नहीं गाऊंगी। आज विदेशी सुपरस्टार रिहाना हो या फिर बॉलीवुड की दीपिका पादुकोण, सब करोड़ों का चेक लेकर शादियों में परफॉर्म करती हैं, पर लता मंगेशकर को जब $1 मिलियन का ऑफर आया तो उन्होंने साफ कह दिया था, $5 मिलियन भी दोगे तब भी नहीं आऊंगी, मेरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र के लिए गाऊंगी, शादियों में नहीं गाऊंगी। बड़ी बात यह है कि आशा ताई नाना पाटेकर की तरह ही सियासत में नहीं आना चाहती हैं। वो कहती कि मेरी जुबान पर जो है मैं वही बोल दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, राजनीति हम लोगों के लिए नहीं है, पर पूरा जीवन इन दोनों बहनों ने राष्ट्र के नाम ही समर्पित कर दिया। यही वजह कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सलार ने जब अमित शाह को ये बताया कि मैं आशा ताई की फोटो बायोग्राफी निकाल रहा हूँ तो अमित शाह खुद उसे लॉन्च करने पहुँच गए। मोदी शाह का यही अंदाज सुपरस्टार हो या फिर आम आदमी, हर किसी को पसंद आता है। आप ये जानकर शायद हैरान रह जाएं कि 90 की उम्र में आज भी आशा ताई सुबह उठकर रियाज करती हैं। कहीं परफॉर्म करना हो तो 5-5 बार एक ही गाने की प्रैक्टिस करती हैं। जो युवा सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आशा ताई के सिर्फ 3 ही मूल मंत्र हैं, रोज रियाज करो, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो और राष्ट्र की प्रथम भावना के साथ काम करो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लंबे दिनों बाद आशा भोसले की लाइव आवाज आपके दिल को कैसे लगी कमेंट कर बताएं।